बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 7 चैप्टर 4 हीट यानी ऊष्मा। हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में ना जाने अनगिनत ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं से मिलते हैं और कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं और कुछ वस्तुएं ठंडी। तो बच्चों, आप कैसे समझते हैं ये वस्तु गर्म है या ठंडी? तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखें, ऐसी वस्तुएं होती कौन सी हैं। तो बच्चों, बात अगर उदाहरण की करूं तो ये क्या है? चाय। और ये क्या है बच्चों? आइसक्रीम। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि आपको कैसे पता कौन सी चीज गर्म है या ठंडी, और जनरल आमतौर से आप आंसर करोगे देख के, चाय है तो गर्म होगी, आइसक्रीम है तो ठंडी होगी। तो हमने ये जाना कि हम किसी भी चीज को गर्म या ठंडा आंखों से देख के बता सकते हैं। तो बच्चों, हमने अभी जाना कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है आपने कैसे पहचाना? आंखों से देख के। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये फ्रूट्स हैं, राइट, और ये पिज्जा है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितने ठंडे और कितने गर्म है, तो आप बता पाएंगे? देख के तो नहीं बता पाएंगे बच्चों। तो हम कैसे बताएंगे इसको? इसे हम हाथों के थ्रू टच करके बताएंगे, करेक्ट। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हो गए किसी भी चीज की हॉटनेस बताने के, या देख के या टच करके। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों। इसके लिए आपको 3 बीकर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ओके? और इन 3 बीकर्स में हम कुछ फिल करेंगे। और क्या फिल करने वाले हैं? वो चीज जो बहुत इजीली अवेलेबल होती है सबके पास, दैट इज वाटर। तो एक बीकर ए में आप ठंडा पानी डाल दीजिए, बीकर बी में आप गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं बच्चों, माइल्ड गर्म आप डाल दीजिए, और तीसरे बीकर में ठंडा और गर्म मिक्स पानी डाल दीजिए। सबसे पहले बच्चों, अपना एक हाथ आप राइट हैंड मान लीजिए, उसको आप ठंडे पानी में डिप करिए। आप अपना सेकेंड, दैट इज लेफ्ट हैंड, गर्म पानी में डिप करिए, राइट। आप 5 मिनट डिप करने के बाद बच्चों, आपको तीसरे बीकर में या तीसरे कंटेनर में अपने दोनों हाथ जो आपने राइट और लेफ्ट डिप किए थे उनको तीसरे कंटेनर में डिप कर दें। अब जो हाथ ठंडे पानी में था उसको वो पानी गर्म लगेगा, और जो हाथ गर्म पानी में था उसको वो पानी ठंडा लगेगा। तो क्या हमारे हाथ एक एक्यूरेट मैकेनिज्म है किसी भी चीज को ठंडा और गर्म बताने के लिए? नहीं। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया? हैंड्स, जो हमारे हैंड्स हैं, वो एक रिलायबल मैकेनिज्म नहीं है किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस बताने के लिए। क्यों? क्योंकि हैंड्स के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु का करेक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते, करेक्ट हॉट, कितना हॉट है उतना नहीं बता सकते, राइट? सो हम हैंड्स पे रिलाई नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो हमें एक एक्यूरेट, रिलायबल और सॉलिड इंफॉर्मेशन दे। तो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस की कैसे पता चलेगी बच्चों? वो हमें पता चलेगी उसके टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को एक हीट प्रोवाइड करना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपने कभी घर में दूध उबलते हुए देखा है? देखा ही होगा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज ये बहुत कॉमन, बहुत जनरल प्रोसेस जो हर घर में होता है। तो दूध कैसे उबलता है बच्चों? हम दूध को भगोनी में रख के एक गैस पे चढ़ाते हैं, और गैस पे चढ़ाने पे हम क्या करते हैं? उसको एक हीट या उसमें टेम्परेचर देते हैं। जब भी हम टेम्परेचर देते हैं तो दूध गर्म हो जाता है, उसका एक हॉटनेस क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है बच्चों? जैसे ही हम फ्लेम को या अपने गैस को धीरे कर लेते हैं, उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड हो जाता है। सो दैट मीन्स टेम्परेचर इज अ वेरी वैलिड मैकेनिज्म टू आंसर अवर क्वेश्चन कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी। तो बच्चों, जब हमने समझ लिया कि हमारा एक टेम्परेचर ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमें कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड हम समझ सकते हैं, तो इस टेम्परेचर को नापने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए।
एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज थर्मामीटर, जो टेम्परेचर मेजर करता है बेटा वो डिवाइस थर्मामीटर कहलाता है। और ये पूरी प्रोसेस मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर या ताप मापन कहलाती है। तो बच्चों जब हमने समझ लिया कि थर्मामीटर क्या है, तो क्यों ना ये कितने टाइप का होता है ये समझे। तो प्यारे बच्चों थर्मामीटर दो टाइप का होता है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर, और इसको हिंदी में बोलते हैं टॉपी थर्मामीटर या प्रयोगशाला ताप मापे कहते हैं। तो बच्चों हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर या टॉपी थर्मामीटर हम हमारे घरों में यूज करते हैं, डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में यूज करते हैं। ये हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है बताने में उपयोग में आता है। तो चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका कंस्ट्रक्शन या इसका शेप कैसा होता है इसको डिटेल में समझें। हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर एक ग्लास ट्यूब का बना होता है, और इस ग्लास ट्यूब के स्टार्टिंग में बच्चों होता है बल्ब। यही बल्ब हम अपने टंग के नीचे इंसर्ट करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर समझने के लिए। और जो मैंने आपको बल्ब बनाया था, ये ग्लास ट्यूब के अंदर होता है मर्करी। मर्करी की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है और एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, तभी इसको थर्मामीटर के कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं। एक और चीज जो समझने वाली है वो ये है बच्चों कि हम कुछ मार्किंग्स देखते हैं। ये मार्किंग्स दो जगह होती है, एक ऊपरी तौर पे भी होती है और एक नीचे भी होती है। तो ऊपर जो मार्किंग होती है बच्चों वो डिग्री सेल्सियस में होती है। अब इसकी रेंज कितनी होती है बच्चों, 35 से लेके 42 तक। और फारेनहाइट में जो कि नीचे की तरफ मार्किंग होती है उसमें इसकी रेंज होती है 94 से लेके 108 डिग्री फारेनहाइट तक। तो बच्चों अभी हमने ये मार्किंग्स देखी, चलिए क्लोजर लुक लें और देखें 35 से 36 वाली मार्किंग। इनके बीच में कितने सब डिविजन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That means 0.1 degree Celsius का ये सब डिविजन है। ये divisions जरूरी होते हैं, तभी तो हम accurate temperature निकाल पाते हैं। अब देखते हैं कैसे ये process होती है थर्मामीटर के अंदर हमको हमारे बॉडी का करेक्ट टेम्परेचर बताने की। सबसे पहले हम बल्ब को अपने टंग के अंदर रखते हैं। अब जो हमारी बॉडी की हीट है वो बल्ब एक्सट्रैक्ट करता है, और बल्ब में क्या होता है बच्चों, बल्ब में ही हमारा मर्करी होता है। और मर्करी की एक सबसे स्पेशलिटी होती है कि जैसे ही इसे थोड़ा सा भी हीट मिलता है या थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है वो एक्सपैंड होता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ने लगती है। और ये जब ये वॉल्यूम बढ़ने लगती है बच्चों तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, हमारी मार्किंग्स पे। दिस इज द एंटायर प्रोसेस हाउ अ थर्मामीटर वर्क्स। जब हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट की बात करते हैं बच्चों, तो हमें हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता तो होना चाहिए। तो डिग्री सेल्सियस में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37, और वहीं फारेनहाइट में हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, बट अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है।